तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम डेट के बारे में कि रिटर्न एग्जाम कब कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और इसमें पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं। तो आप लोग को मैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि छुट्टी बड़ी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात की जाए इसमें आप लोग का एग्जाम का, तो बहुत सारा भाई का कमेंट आ रहा है क्या अप्रैल में एग्जाम होगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग का अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूबर भी आप लोग गुमराह कर रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है अप्रैल में होने वाला है, लेकिन मैं आप लोग को आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर अप्रैल में एग्जाम होने को रहता तो अभी तक आप लोग को ऑफिशियल की तरफ से अपडेट जारी कर दिया जाता है। आप लोग का जो एग्जाम होने का डेट है मैं वो भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ। इलेक्शन खत्म होने के बाद ही आप लोग का एग्जाम का डेट जारी किया जाएगा। और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाइएगा दोस्तों, वहाँ पे आप लोग का कोई भी अपडेट नहीं अभी तक जारी किया गया है कि आप लोग का एग्जाम कब होगा और आप लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा। हालांकि एडमिट कार्ड का मैं बताऊँ दोस्तों, तो आप लोग का जब भी एग्जाम होने को रहेगा सबसे पहले आप लोग को ऑफिशियल की तरफ से एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कि आप लोग का एग्जाम इतने तारीख को है और आप लोग का एडमिट कार्ड इतने तारीख को जारी किया जाएगा। आप लोग का एग्जाम से लगभग 10 से 12 दिन पहले जब भी होगा आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और बात रही दोस्तों कि पैटर्न चेंज होने का, क्या एग्जाम का जो है पैटर्न चेंज होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा एग्जाम पे बनेगा या फिजिकल पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे पहले प्रोसेस हो रहा था बिहार पुलिस का जो कि आप लोग का फिजिकल पर मेरिट लिस्ट आ रहा था, वैसे इस बार भी होगा, लेकिन अगला बार भी भर्ती आएगा दोस्तों उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बार प्रोसेस हो रहा था बिहार पुलिस का वैसे ही होने वाला है। अगर आप लोग को और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।